गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा दूसरा यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मान लीजिए आपके पास ये वायर है। इस वायर में इस डायरेक्शन में ए से बी की तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है और ए से बी तक जो सेक्शन है वायर का, ये वायर बहुत लंबी है, इसका छोटा सा मैं पोर्शन ले रहा हूं, उसमें अगर क्यू चार्ज जो है, टोटल क्यू चार्ज फ्लो करता है ए से बी तक कितने टाइम में, टी टाइम में, तो हम बोलेंगे कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट का फार्मूला है आई, करंट को आई से डिनोट करते हैं, टोटल चार्ज फ्लोइंग, टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो यहां पे आएगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहां क्यू चार्ज है और ये टी टाइम इसको लगता है। मान लीजिए ए से बी तक टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो करता है तो करंट कितना आएगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और ये जो करंट है इसको हम बोलेंगे वन एम्पीयर। कब? अगर वन कूलम चार्ज फ्लो करे वन सेकेंड में ए से बी की तरफ, अगर इस सेक्शन ऑफ वायर में एक सेकंड में एक कूलम चार्ज फ्लो करता है तो हम बोलेंगे कि वायर में कितना करंट है, वन एम्पियर। सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वन एम्पियर इज इक्वल टू वन कूलम पर सेकंड, वन कूलम पर सेकंड। तो डेफिनेशन जो वो क्या बनी, द करंट थ्रू द वायर इज कॉल्ड वन एम्पियर इफ वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर इन वन सेकेंड। ये जो चार्ज फ्लो करते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लीजिए कि यहां से ए से बी की तरफ टी टाइम में एन इलेक्ट्रॉन फ्लो करके गए और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई है तो एन के ऊपर कितना होगा, एन ई। तो टोटल चार्ज को क्या बोला हमने, क्यू। हमने बोला टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, क्यू। टोटल चार्ज किसके बराबर है, एन ई के बराबर, जहां ई जो है दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर यहां से एन इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो टोटल चार्ज होगा एन ई। तो ये जो हमने इक्वेशन यहां पे लिखी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एन ई क्या है, क्यू ही तो है। तो ऐसे लिख सकते हैं वेयर एन इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब मैं ये बोलूं कि किसी वायर से एक कूलम करंट फ्लो कर रहा है तो बताइए कितने चार्ज पार्टिकल जो है वो यहां से ए से बी की तरफ मूव करेंगे, कितने चार्ज पार्टिकल यहां से मूव करेंगे जो एक कूलम करंट बनाएंगे। तो हमें पता है कि एक कूलम करंट, सॉरी एक एम्पियर करंट बनाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इस वायर से जो चार्ज फ्लो कर रहा है अगर वो वन कूलम चार्ज फ्लो करता है एक सेकंड में तो करंट कितना बनता है, वन एम्पियर। तो यहां पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ करंट ऑफ वन एम्पियर, कितने इलेक्ट्रॉन जो है एक एम्पियर का करंट बनाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो ये फार्मूला लगेगा, वन एम्पियर का करंट बनाते हैं। तो हमें पता है कि ये जो फार्मूला है यहां से हमें क्लियर हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आप ऐसे लिखेंगे ये एन ई इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये टी इधर चला गया, और एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई। अब हमने बोला कि कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन निकालने हैं, कितना करंट बनाते हैं, वन एम्पियर करंट, वन एम्पियर। तो करंट आई की जगह वन लिख दिया, वन एम्पियर करंट कब जाता है, एक सेकंड में, तो टाइम की जगह आ गया वन सेकंड। और ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, जब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, ये 10⁻¹⁹ ऊपर चला गया तो आपके पास आया 1 × 10⁻¹⁹, ये 1.6, और यहां से दो जीरो ले लीजिए आप तो आपके पास कितना आ गया, ये एक डेसिमल यहां से हटा दिए तो यहां पे एक जीरो लगी,
16 से 10 डिवाइड नहीं होते हैं, तो आपने एक जीरो यहां से और ले ली, तो आपके पास हो गया 100, और यहां से जीरो लिए तो यहां पे बच गया 18, और ये 16। तो जब 16 से 100 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 6.25। तो हमारे पास कितना आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए 6.25 इंटू 10^18। इतने इलेक्ट्रॉन कितने, 6.25 इंटू 10^18, इतने इलेक्ट्रॉन जब किसी वायर में एक सेकेंड में निकलते हैं तो हम बोलते हैं कि कितना करंट वायर से फ्लो हुआ, 1 एम्पियर। आइए अब बात करते हैं करंट के बारे में कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये आपके पास एक सर्किट डायग्राम है जिसमें ये बैटरी लगाई हुई है, तो आप नोट करेंगे कि बैटरी जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं लो पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो ये जो एरो मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लगाए हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज आपका फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और जो इलेक्ट्रॉन है सर्किट में, नेगेटिव टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव टर्मिनल से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दूसरा कि करंट जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऑल्दो द इलेक्ट्रॉनिक करंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, येट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज फॉर इट्स एडिशन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस आर नॉट एप्लीकेबल। पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, ये डायरेक्शन है, लेकिन इवन देन ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। जो कंडक्टर है जिनसे करंट फ्लो करता है उनमें जितने एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये एटम नजदीक नजदीक होते हैं, और इसकी वजह से इस एटम का जो आउटर मोस्ट सेल जो होता है जिसको बोलते हैं वैलेंसी सेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस एटम के साथ लूजली बाउंड होते हैं, और इस वजह से वो पूरे लैटिस में रैंडमली इधर से उधर मूव करते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के चारों तरफ चक्कर काटेगा, वो पूरे लैटिस में कहीं भी घूम सकता है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, उनकी वजह से करंट फ्लो करता है। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं ये रेंडमली मूव करते हैं, तो जब ये मूव करते हैं तो ये इनकी ज्यादा स्पीड नहीं होती, कई बार ये दूसरे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ ये कोलिजन होता है इनका, ये जो पॉजिटिव आयन बीच में क्रिएट होते हैं उनके साथ इनका कोलिजन होता है। तो जितने ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, वो अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है तो कभी यहां पे गया और इसमें यहां से स्ट्राइक टकरा गया, कोलाइड हो गया, यहां कोलाइड होने के बाद इसकी डायरेक्शन ये होगी कि यहां कोलाइड हुआ फिर इधर आ गया फिर इधर कोलिजन हुआ। इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कभी इस तरफ है कभी ऊपर है कभी नीचे है, इस तरह से ये मूव करते रहते हैं रेंडमली सारे के सारे। इसलिए इनकी अगर हम थर्मल वेलोसिटी की बात करें, इनकी टोटल वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो वो जीरो आती है। और ये रेंडमली किस वजह से मूव करते हैं, क्योंकि हर एटम के पास अंदर थर्मल एनर्जी होती है उस वजह से। तो मान लेते हैं कि एक इसमें एन इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेलोसिटी है U1, दूसरे की U2, तीसरे की U3। तो इस तरह से U1 प्लस U2 प्लस U3 ये सभी की जितने इलेक्ट्रॉन है उनकी सबकी स्पीड जो अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उनकी ये वेलोसिटी है U1 U2 U3 अप टू UN, मान लीजिए UN इलेक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी। तो उसका अगर हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज हमेशा जीरो आता है, क्योंकि ये बार बार एक दूसरे से टकराते रहते हैं, इसलिए करंट को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, क्योंकि सारे रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, तो इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो है जीरो आती है। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर की लेंथ है L, और उस कंडक्टर पे हम एक बैटरी अटैच कर देते हैं और उस बैटरी की वोल्टेज है V, कंडक्टर की लंबाई L, तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे आप बैटरी अटैच करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन जो रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे उनके ऊपर फोर्स लगेगी और उनको धक्का लगेगा इस साइड, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो कितनी फोर्स लगेगी, वो फोर्स लगेगी F = -E × E।
ये माइनस ई जो है दिस इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें क्योंकि पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का मतलब हुआ चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और माइनस ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है फोर्स, तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया फोर्स। ये फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लगती है, तो ये चाहे रेंडमली कहीं भी मूव कर रहा है, चाहे ऊपर मूव कर रहा है चाहे साइड मूव कर रहा है, पर जैसे आप बैटरी अटैच करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने शुरू कर देते हैं, तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वो जो वेलोसिटी चेंज होती है वो थोड़े से टाइम के लिए चेंज होती है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि जैसे चेंज होगी इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ मूव करेगा तो ये बाकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या पॉजिटिव आयन अंदर लैटिस में उनके साथ ये कोलाइड होने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से वो जो वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए पैदा होती है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, द एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इन्फ्लुएंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं मुड़ते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सपोज कर लेते हैं कि यहां पे जो और ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास m है, तो जब ये बैटरी अटैच करेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा, तो हम ये फोर्स की जगह लिख देते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, माइनस ई इंटू ई, यहां से ए आ जाएगा, वेयर एम इज द मास ऑन द इलेक्ट्रॉन, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है इन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कंडक्टर में फ्रीली इधर से उधर मूव कर रहे थे। सपोज कर लेते हैं कि बैटरी लगाने से इनमें जो स्पीड इनमें जो वेलोसिटी चेंज हुई इनकी, तो जो फर्स्ट था जिसकी वेलोसिटी यू वन थी, थर्मल वेलोसिटी यू वन थी, अब उसकी वेलोसिटी होगी मान लीजिए वी वन, यू टू की वेलोसिटी होगी वी टू, यू थ्री की वेलोसिटी होगी वी थ्री। तो उस तरह से हमें एक फार्मूला याद है और वो फार्मूला ये है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस ए इंटू टी, ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए कि मान लेते हैं कि वी वन किसके बराबर आया, वी वन आया यू वन प्लस ए और ये लिख दिया टी वन। उसी तरह से सेकंड जो होगा उसकी है वी टू इज इक्वल टू यू टू प्लस ए टी टू। सिमिलरली लास्ट में वी एन इज द वेलोसिटी ऑफ द एनथ इलेक्ट्रॉन और ये ए टी एन। ये जो टी वन टी टू टी एन लिखा इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली कंडक्टर में से इधर से उधर मूव करते हैं, तो हमने अभी ये डायग्राम देखा ये ऊपर जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया फिर यहां पे स्ट्राइक किया उसके बाद फिर यहां पे स्ट्राइक किया, तो जब दो कोलिजन हो रहे हैं, एक कोलिजन इधर हुआ फिर एक कोलिजन इधर हुआ, इन दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है जब इलेक्ट्रॉन की कहीं किसी के साथ कोलिजन नहीं हो रहा है और सीधा मूव कर रहा है, उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यहां स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी फिर इधर आ गया, फिर इधर स्ट्राइक किया फिर डायरेक्शन चेंज होगी फिर इधर चला गया, इधर स्ट्राइक किया फिर इधर गया। तो आप देख रहे हैं कि जब यहां कोलाइड हुआ उसके बाद चला गया फिर यहां पे इसका कोलिजन हुआ, इसके बीच में कहीं पे कोई टक्कर नहीं हुई, तो ये जो टाइम है जहां जब इसकी कोई टक्कर नहीं होती कोई कोलिजन नहीं होता इस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इसकी स्पीड यू वन थी, पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, ये जितने इलेक्ट्रॉन थे जो रेंडमली इधर से उधर मूव कर रहे थे वो सारे के सारे कहां जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करने शुरू करेंगे और उनमें वेलोसिटी क्रिएट हो जाएगी, पैदा हो जाएगी, उस वेलोसिटी को हमने बोला ये वी वन वी टू और ये जो भी मैंने नीचे लिखा, ठीक है, कि फर्स्ट में मान लीजिए वी वन पैदा होगी, सेकंड में वी टू, थर्ड में वी थ्री और एंड में वी एन, और ये टी वन टी टू टी एन जो लिखा इसको मैं बोल रहा हूँ रिलैक्सेशन टाइम। तो अब जो डेफिनेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वो बोलते हैं कि ये जो वेलोसिटी पैदा होती है ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में जो वेलोसिटी पैदा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खुद की वेलोसिटी तो ये थी यू वन यू टू यू थ्री, लेकिन बाहर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इसमें जो स्पीड पैदा हुई वी वन वी टू अप टू वी एन, इसका अगर हम एवरेज लेते हैं
उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसकी एवरेज क्या होगी, तो इसका एवरेज निकाल दें यहां से। तो यह मैंने ऐसे लिखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको मैंने वीडी लिख दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज किसका, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस सो ऑन सो फोर अप टू वी एन डिवाइडेड बाई एन। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इसी क्वेश्चन में आप ऐसे लिखें, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू वी वन किसके बराबर था, ये फॉर्मूला देख लिए, तो यहां से भर देते हैं यू वन प्लस ए और ये टी वन, उसके बाद ये प्लस वी टू किसके बराबर है, यू टू प्लस ए टी टू, प्लस वी थ्री कितने है, यू थ्री प्लस ए टी थ्री, और उसी तरह सोन सो फोर आगे तक कितना है, यू एन प्लस ए टी एन। और एवरेज निकाला डिवाइडेड बाई एन। यहां से अगर मैं इन ब्रैकेट्स को खोल देता हूं तो मेरे पास बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट खोल दिए, यू वन यू टू यू थ्री यू एन, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस सो ऑन सो फोर अप टू यू एन, ये मैंने अलग लिख दिया, प्लस ए टी वन ए टी टू ए टी थ्री, इसमें ए कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस सो ऑन सो फोर अप टू टी एन डिवाइडेड बाई एन। तो आप नोट करें कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अब इसको मैं अलग कर दूं यहां से, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस सोन सो फोर अप टू यू एन डिवाइडेड बाई एन, इसके लिए एन डिवाइड अलग कर दी और इसके लिए अलग से कर देते हैं, ए टी वन टी टू प्लस टी थ्री प्लस सोन सो फोर टी एन डिवाइडेड बाई एन। तो आप देखेंगे कि ये हमने पहले निकाला था, ये क्या था, इट इज कॉल्ड एवरेज थर्मल वेलोसिटी, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, ये हमने पहले निकाला हुआ है। अगर इसको आप यहां से देखें, ये स्टार्टिंग में हमने बताया था कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जीरो, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से यहां पर अगर हम फिलअप करते हैं इसमें, तो ये जीरो आ गया, तो आपके पास से ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो प्लस ए, और टी वन टी टू टी थ्री अप टू टी एन डिवाइडेड बाई एन जो है, ठीक है, इसका हम ये क्या निकला, इसको बोलेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको कई बार हम कैपिटल टी से, ये कई बार ये टो से, इसको बोलते हैं टो, टो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यहां से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ए क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो है माइनस ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इनटू टॉ। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, हमने यहां पे इक्वेशन पहले निकाली थी, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाई एम, इसको मैंने यहां पर भर दिया, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू इज द चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट एंड टी इज द टाइम, टी टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड करंट। तो आपको निकालना पड़ेगा चार्ज, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ एल है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो ढक्कन है इनका एरिया है ए, ये कंडक्टर जो है इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया जिसकी वोल्टेज है पोटेंशियल वी, जैसे इसको मैं इस बैटरी से जोड़ता हूं तो क्या होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी ई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको फोर्स लगेगी किस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ, नेगेटिव चार्ज जो है हमेशा अट्रैक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो उस तरफ अट्रैक्ट होगा और स्पीड से चलने लग पड़ेगा
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगी, तो ये जो स्पीड है जिससे मूव करेगा दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमने क्योंकि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और करंट के बीच में रिलेशन निकालना है, तो मान लेते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे करंट फ्लो हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यहां से यहां तक, हमें वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि करंट का मतलब है टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाई टाइम, तो कुल कितना चार्ज फ्लो होता है। तो चार्ज कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि ये जो आपके पास कंडक्टर आपको नजर आ रहा है, ये लग रहा है सिलेंड्रिकल, सिलेंडर का ये नीचे वाला एरिया जो है ये दिया हुआ है ए, और ये जो हाइट होती है इसको लंबाई बोला एल। तो आपको पता है इसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू एल, एरिया इंटू हाइट। ये हमने पहले भी बच्चों को कई बार बताया है कि वॉल्यूम का फार्मूला जो है वो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एरिया, तो एरिया इंटू हाइट। तो ये एरिया है और ये इसकी हाइट है जो लंबाई है, तो एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। तो यहां निकाला वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ए एल आया। मान लेते हैं सपोज लेट अस कंसीडर लेट देयर आर एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। हम ये मान के चलते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन है, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन है, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, इन द कंडक्टर इज इक्वल टू एन ए एल। यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन है एन, तो ए एल वॉल्यूम में कितने होंगे, क्योंकि वॉल्यूम कितना ए एल है, तो ए एल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप लिखेंगे एन इंटू ए एल। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मान लीजिए ई है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुल चार्ज कितना होगा, तो आप लिखेंगे टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एन ए एल ई। अगर E जो है ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, तो एन ए एल क्या है, दीज आर द टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, तो उन पर कुल चार्ज कितना होगा, E से मल्टीप्लाई कर दो टोटल चार्ज आ गया। अब टोटल चार्ज हमारे पास आ गया, इसको इसमें भर दीजिए करंट वाले में, तो आपके पास फॉर्मूला जो है करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। टोटल चार्ज कितना है यहां पे, एन ए एल ई अपॉन टी। यहां से आप देखें एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से इधर मूव करता है, स्पीड उसकी वी डी है, कितना डिस्टेंस मूव किया एल, और कितना टाइम लगता है मान लीजिए टी, तो वेलोसिटी आप ऐसे लिखोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहां से यहां तक पहुंचने को इलेक्ट्रॉन को टी टाइम लगता है, तो कितनी दूरी रहेगी, तो आपको पता है स्पीड जो है वेलोसिटी जो है तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस एल है और यहां से यहां आने को टाइम टी लगा, तो एल अपॉन टी को वी डी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में देखें तो यहां पे एल और ये नीचे लिखा हुआ है टी, तो आप इस इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, एन ए ई और एल अपॉन टी जो है ये क्या बन गया, ये बन गया वी डी, तो आप यहां पे लिख सकते हैं एन ए एल अपॉन टी को लिख दीजिए वी डी, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है आई इज इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो सेम है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रिक करंट का, जो ये चैप्टर है इसमें ओम्स लॉ का बहुत ज्यादा यूज है। ये लॉ ये बोलते हैं कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस यानी टेम्परेचर या मैकेनिकल स्ट्रेन एटसेट्रा अगर वो अनचेंज्ड हो, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड। अगर आपके पास ये कंडक्टर है, इसके दो सिरे हैं ए और बी, इस कंडक्टर की जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो अनचेंज्ड हैं,
रिमेन अनचेंज्ड। देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, तो इस कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। इन दोनों कंडक्टर के दोनों सिरों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये करंट। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो यहां पे हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, V इक्वल टू आई आर या V इक्वल टू आर आई। ये R जो है दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और ये जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का ये डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर कैसा है, उसकी डायमेंशंस कैसी हैं और उसकी फिजिकल कंडीशंस क्या है। यानी R की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर, फिजिकल कंडीशन एंड डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। ये R जो है अगर यहां से मैं R निकालूं तो R किसके बराबर आएगा, I इसके नीचे आ जाएगा, V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, एंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, R इक्वल टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 ओम। यदि सर्किट में दोनों सिरों पे पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट और करंट फ्लो कर रहा हो 1 एम्पियर, अगर यहां से यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है अगर वो 1 एम्पियर है और दोनों सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, मान लीजिए यहां पे 6 वोल्ट है और यहां पे 5 वोल्ट है, तो दोनों में कितना अंतर है 1 वोल्ट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट, दोनों में अंतर 1 वोल्ट का, करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का, तो रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। इसको ओम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, ये एम्पियर ऊपर चला गया, 1 वोल्ट पर एम्पियर, इसको बोलते हैं ओम। ये जो रेजिस्टेंस की हमने बात की कि कोई कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट पैदा करता है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस कैसे पैदा होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो कंडक्टर है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको बैटरी के साथ अटैच करते हो तो बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है उसकी वजह से उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है और वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जब एकदम मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ तो लैटिस के अंदर वो दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं, या अंदर जो पॉजिटिव आयन है उनके साथ कोलाइड करते हैं, तो उनका बार बार कोलिजन होने की वजह से उनकी वो स्पीड नहीं बन पाती है और वो बार बार स्लो होते रहते हैं, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द आयंस एंड द एटम्स इज टर्म्ड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओम्स लॉ बहुत सी जगह पे फेल भी है, तो ये फेलियर कहां पे होता है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि फॉर ऑल मटेरियल्स आई इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्योंकि ओम्स लॉ में हमने यही पढ़ा कि आई और वी जो है वोल्टेज और करंट जो है ये I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन सभी मटेरियल के लिए ऐसा नहीं है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट बनता है फॉर ऑल मटेरियल्स I इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। दूसरा फेलियर जो है ओम्स लॉ का वो ये है कि जितने सेमी कंडक्टर्स हैं, एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर और एक होते हैं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, वो ओम्स लॉ को ओबे ही नहीं करते हैं, यानी यहां पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होता, यहां पे फेल हो जाता है। तीसरा जो फेलियर ओम्स लॉ का वो ये है कि फॉर वाटर वोल्टमीटर लीनियर प्लॉट विद नेगेटिव इंटरसेप्ट इज ऑब्टेंड। देखिए ओम्स लॉ में हमने बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं इस तरफ करंट लेता हूं इस तरफ मैं वोल्टेज लेता हूं तो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन में इस तरह से ग्राफ बनता है। तो ओम्स लॉ में जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगी, यही यूं बोले जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, ये ओम्स लॉ बोलता है। फेलियर कहां पे आया, इसने बोला कि जो वाटर वोल्टमीटर है वहां पे आप ये ग्राफ बनाते हो तो ऐसे नहीं बनता है, वहां पे ग्राफ इस तरह से बनता है। अगर मैं इस तरह से ग्राफ बनाऊं, इस तरफ मैं अगर मान लेता हूं ये करंट है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में अगर मैं ले लेता हूं वोल्टेज, तो इसका जो ग्राफ जो है, इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है, ऐसे करके
ये वोल्टेज यहां से नहीं है, आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ऊपर वाले में था कि जैसे जैसे वोल्टेज कम होती जाएगी करंट भी कम होता चला जाएगा और इस AO जीरो पॉइंट पे मिलेगा। यहाँ पे जैसे आप वोल्टेज कम करते जा रहे हो तो ये कम हो रहा है कम हो रहा है, पर जाके कहाँ मिल रहा है, नीचे नेगेटिव साइड। ये इस AO जीरो है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। तो इसने बोला कि फॉर वाटर वोल्टमीटर लीनियर प्लॉट, लीनियर का मतलब सीधी लाइन, लीनियर प्लॉट विद नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ, विद नेगेटिव इंटरसेप्ट इज ऑब्टेंड। तो इस तरह से ओम्स लॉ तो बोलता है कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरह से ग्राफ बनना चाहिए, लेकिन वाटर वोल्टमीटर में एक ग्राफ जो है इस तरह से मिलता है विद नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो यहां पे ये आपका जो ओम्स लॉ है ये फेल हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है, इन केस ऑफ थायरिस्टर, इन केस ऑफ थायरिस्टर द करंट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वोल्टेज। थायरिस्टर के केस में जो द करंट जो है दैट इंक्रीज विद डिक्रीज इन वोल्टेज। देखिए इस ग्राफ में देखिए, इस तरफ वोल्टेज है और इस तरफ हमने करंट लिया हुआ है। तो हमें पता था कि जो ओम्स लॉ है ये ऊपर हमने डायग्राम बनाया था कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, लेकिन यहां पे आप देखें कि जैसे जैसे यहां पे वोल्टेज कम हो रही है, इस केस में देखिए यहां से वोल्टेज कम हो रही है तो ये पीछे को आ रहा है, वोल्टेज कम हो रही है पर करंट क्या है, करंट बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज कम हो रही है यहां से देखिए बी से ए की तरफ देखिए, तो आप यहां पे पीछे की तरफ आ रहे हैं, वोल्टेज कम हो रही है पर करंट बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां पे आपका ओम्स लॉ फिर से फेल हो जाता है।